हिंदी आलोचना के शिखर पुरुष आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक अत्यंत प्रसिद्ध निबंध है, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, और यह इनके जो निबंध संग्रह है चिंतामणि, उसमें यह प्रकाशित हुई थी। तो विभिन्न विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में यह शामिल है। तो आज हम इसे समझने का प्रयास करेंगे कि काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था की जो अवधारणा दी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, वह क्या है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काव्य दो प्रकार के होते हैं। एक का संबंध होता है काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था से, और दूसरे प्रकार के काव्य का संबंध होता है काव्य में लोक मंगल की सिद्धावस्था से। तो काव्य में जो लोक मंगल की साधनावस्था है, इसका तात्पर्य है कि काव्य का उद्देश्य होना चाहिए लोक का कल्याण करना। और जो काव्य जो जिसका संबंध लोक मंगल की सिद्धावस्था से है, उसका उद्देश्य होता है केवल लोगों का मनोरंजन करना। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काव्य का जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या होता है, लोक मंगल का विधान करना, लोगों का कल्याण करना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास जी से अत्यंत प्रभावित थे, और जैसे कि आपको पता है कि तुलसीदास जी का काव्य प्रयोजन क्या है, स्वांतः सुखाय, बहुजन हिताय अथवा लोक हिताय। मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी का जो काव्य का प्रयोजन है वह क्या है, खुद की खुशी, स्वांतः सुखाय, स्वयं को सुख प्रदान करना, खुशी प्रदान करना और लोगों का कल्याण करना। तो उनसे बहुत ज्यादा प्रेरित हैं, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रिय कवि जो हैं तुलसीदास जी हैं। तो आइए आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऐसे काव्यों को जिनमें मंगल का विधान, मतलब जिसमें लोगों के कल्याण करने का उद्देश्य निहित हो, मंगल का विधान करने वाला भाव करुणा बीज रूप में विद्यमान रहता है, श्रेष्ठ घोषित करके लोक मंगल की साधना को काव्य प्रतिमान के रूप में प्रतिष्ठित किया है। मतलब किसी काव्य, कोई काव्य कितना महान है, कितना अच्छा है ना, जैसे रामचरितमानस है, उसमें लोक मंगल का विधान किया गया है तो उसको प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि जिस काव्य में लोगों के कल्याण करने की भावना के रूप में करुणा का भाव मूल रूप से विद्यमान रहता है, उसे उन्होंने श्रेष्ठ घोषित किया है, और श्रेष्ठ घोषित करके लोक मंगल की साधना को काव्य प्रतिमान के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। मतलब किसी काव्य की आलोचना करते समय आपको मापदंड के रूप में यह भी देखना है कि वह लोगों के कल्याण करने में सक्षम है कि नहीं, कि वह लोगों के कल्याण करने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर लिखा गया है कि नहीं, और इसका मूल भाव क्या है, करुणा है। उनका तर्क है कि लोक में मंगल का विधान करने वाले दो भाव हैं, करुणा और प्रेम। मतलब लोगों के कल्याण की व्यवस्था करने, लोगों का कल्याण करने, लोगों का मंगल करने के लिए काव्य में दो भाव हमेशा विद्यमान रहते हैं। वे भाव कौन कौन से, करुणा और प्रेम। करुणा की गति लोक की रक्षा की होती है और प्रेम की गति लोक के रंजन की ओर। जैसे रामचरितमानस में हम देखते हैं भगवान राम के मन में लोगों के प्रति करुणा है। जो राक्षसों के आतंक से त्रस्त हो गए तो उनके मन में लोगों की रक्षा करने के लिए उनके मन में करुणा का भाव विद्यमान है, तो उन्होंने उस राक्षस का अंत किया रावण का। और प्रेम की गति लोक के रंजन की ओर है, और न केवल उन्होंने उस राक्षस राज का अंत किया बल्कि राम राज्य की स्थापना की, जिसमें लोग हमेशा सुखी और स्वस्थ रहते थे, खुश रहते थे। तो लोक रंजन का क्या उद्देश्य होता है, लोगों को खुश करके उनका विश्वास प्राप्त करना। तो लोगों के लिए उनके मन में जो करुणा था, उस करुणा को ध्यान में रखकर उन्होंने रावण का अंत किया, और उनके मन में लोगों के प्रति जो प्रेम की भावना थी, जो लोक रंजन की भावना थी, इसलिए उन्होंने राम राज्य की स्थापना की और लोगों को उन्होंने खुश किया और उनका विश्वास प्राप्त किया। तो इस प्रकार लोगों का कल्याण करने वाले दो भाव होते हैं, प्रेम और करुणा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार लोक मंगल शब्द को विशिष्ट अर्थ देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। लोक मंगल जो शब्द है, उन्होंने उसको विशेष अर्थ प्रदान किया है, आगे हम पढ़ेंगे। लोक मंगल के दोनों अंशभूत शब्द लोक और मंगल आचार्य शुक्ल को भारतीय परंपरा के प्रवाह से प्राप्त हुए हैं। तो लोक और मंगल शब्द का निर्माण उन्होंने स्वयं नहीं किया था, जो भारतीय परंपरा है, भारतीय चिंतन परंपरा है, भारत का जो दर्शन शास्त्र है, वहां से उन्होंने लोक और मंगल दोनों शब्दों को लिया है और उसमें नया अर्थ प्रक्षेपित किया है। इन शब्दों को जोड़कर, लोक और मंगल जो दोनों मौलिक शब्द हैं, इन दोनों को जोड़कर उन्होंने एक नई अवधारणा प्रस्तुत की है। सामान्यतः लोक शब्द से तात्पर्य है, लोक शब्द से क्या तात्पर्य है, सामान्य जन।
लोक से तात्पर्य होता है आम जनता, सामान्य जन, और मंगल से क्या तात्पर्य होता है? कल्याण। किंतु यह शब्द आचार्य रामचंद्र शुक्ल के यहाँ नए अर्थ के साथ प्रयुक्त हुआ है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लोक मंगल को एक नया अर्थ प्रदान किया है। इसके इसके आधार पर एक नई अवधारणा प्रस्तुत की है। आचार्य शुक्ल ने लोक शब्द का प्रयोग यूं तो कई अर्थों में किया है, कहीं जगत के लिए, संसार के लिए, कहीं समाज के लिए, कहीं मानव जाति के लिए, और कहीं संपूर्ण मानवता के लिए। किंतु जिस लोक से वे दुख की छाया हटाना चाहते हैं, निश्चय ही वह दुखी, पीड़ित और गरीबों का लोक है। यद्यपि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार लोक का तात्पर्य, अर्थात उन्होंने लोक शब्द का प्रयोग कई अर्थों में किया है, आम जनता के लिए किया है, समाज के लिए किया है, संपूर्ण मानव जाति के लिए किया है, मानवता के लिए किया है, लेकिन वास्तव में जो लोक शब्द से उनका मुख्य अभिप्राय है वह क्या है? जो पीड़ित जनता है, जो दुखी है, जो पीड़ित है, जो गरीब है, ऐसे लोग हैं लोक से तात्पर्य, उनका संसार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काव्य दो प्रकार के होते हैं। जैसे मैं शुरुआत में बताया हूँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य को दो वर्गों में वर्गीकृत किया है। पहले वे काव्य जिनका संबंध आनंद की साधनावस्था से होता है, तो आनंद की साधनावस्था या प्रयत्न पक्ष को लेकर चलने वाले पहले प्रकार के काव्य होते हैं। इसका संबंध लोक मंगल अथवा लोक कल्याण से होता है। इसका मुख्य कार्य लोक मंगल का विधान करना होता है। इस प्रकार के काव्य हैं रामायण, महाभारत, रघुवंश, शिशुपाल वध आदि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो काव्य का जो पहला प्रकार है उसका संबंध होता है आनंद की साधनावस्था से। और आनंद की साधनावस्था से क्या तात्पर्य? ऐसे काव्य में लोगों के कल्याण की भावना जुड़ी होती है कि इस काव्य को लिखने के बाद, इस काव्य को पढ़कर या सुनकर लोगों का कल्याण हो। जैसे रामचरितमानस है, इसका मुख्य कार्य लोगों का मंगल करना होता है, लोगों का कल्याण करना होता है। और ऐसे काव्य कौन कौन से हैं? रामायण, महाभारत, रघुवंश, शिशुपाल वध इत्यादि। इनको पढ़कर सुनकर लोगों का कल्याण होता है। और दूसरा है आनंद की सिद्धावस्था या उपभोग पक्ष को लेकर चलने वाले। इस प्रकार के काव्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लोगों का मनोरंजन करना, क्षणिक सुख प्रदान करना। इसका संबंध केवल लोगों के मनोरंजन से है अथवा केवल उपभोग मात्र से है। जैसे आप कवि सम्मेलन में जाकर कविता सुनते हैं, एक से बढ़कर एक रोमांटिक कविता सुनते हैं, आपका मन खुश हो जाता है। शायरी सुनते हैं, गीत गजल सुनते हैं, आपका मन बहुत ही प्रसन्न उस समय आप हो जाते हैं, लेकिन इसमें कोई लोक कल्याण की भावना निहित नहीं होती। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इस प्रकार के काव्य के उदाहरण है आर्या सप्तशती, गाथा सप्तशती, गीत गोविंद इत्यादि। तो इसका उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, इसका उन्होंने समर्थन नहीं किया, इसको उन्होंने द्वयम दर्जे का समझा है। सन 1907 ईस्वी में ही वे अपने देशवासियों को बता देना चाहते थे कि प्रत्येक ग्रामवासी को यह जानना चाहिए कि अधिक काम करने के बाद भी उसके बदले में कम क्यों दिया जाता है। प्रत्येक नागरिक को यह साफ साफ पता होना चाहिए कि उसका देश दिन ब दिन और गरीब क्यों होता जा रहा है। तो यह अवधारणा कुछ मार्क्सवादी अवधारणा की तरह है कि जो मजदूर वर्ग है, जो श्रमिक वर्ग है, दिन भर गरीब लोग हैं, जो दिन भर काम करते रहते हैं लेकिन उनको उनका मेहनताना पर्याप्त नहीं मिल पाता, और इसके कारण जो हमारे कुटीर उद्योग भी समाप्त हो रहे हैं, जो लघु उद्योग हैं, और लोग दिन ब दिन गरीब क्यों होते जा रहे हैं, यह सोचने की जरूरत है। तो आप समझ सकते हैं कि हालांकि वे मार्क्सवादी नहीं थे, लेकिन उनकी यह विचारधारा है कुछ उसी तरह का है जिसमें पूंजीपतियों के द्वारा जो सर्वहारा वर्ग है, जो श्रमिक वर्ग है, उनका शोषण किया जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो उनकी लोक संबंधी अवधारणा में भारत की गरीब, पीड़ित और शासित जनता का बिंब था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो लोक की अवधारणा है उसमें कौन लोग हैं उनके लोक में? तो लोक संबंधी अवधारणा में जो भारत के गरीब जनता है, जो पीड़ित है, जो शोषित है, जो शासित है अंग्रेजों के द्वारा, उनका बिंब था, उनका प्रतिबिंब, उनकी छवि थी उनके मन में लोक के रूप में। शुक्ल जी के अनुसार सत और असत, भले और बुरे दोनों के मेल का नाम संसार है, पापी और पुण्यात्मा, परोपकारी और अत्याचारी। तो यहाँ जो मैंने ब्रैकेट में जो लिखा है उसका मैं सिर्फ आप लोगों को अर्थ बताने के लिए लिखा हूँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं लिखा है। तो उनका क्या है, इस संसार में सभी प्रकार की चीजें मिलती है, सभी प्रकार के लोग मिलते हैं। सत मतलब सच्चाई अथवा यथार्थ, असत मतलब असत्य अथवा अनुचित लोग, अनुचित व्यवहार, भले और बुरे दोनों के मेल का नाम संसार है। मतलब जहां अंधेरा है तो वहां उजाला भी है। तो इस प्रकार दोनों ही शक्तियों का बराबर अस्तित्व रहता है, पापी और पुण्यात्मा, परोपकारी और अत्याचारी, सज्जन और दुर्जन, सदा से संसार में रहते आए हैं और सदा रहेंगे। मतलब इस संसार में केवल अच्छे लोग ही नहीं मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे, सत्य भी मिलेगा तो असत्य भी मिलेगा,
सज्जन मिलेंगे तो दुर्जन भी मिलेंगे। यह हमेशा से दो शक्तियों का अस्तित्व संसार में रहा है, मंगल और अमंगल, सत और असत के संघर्ष में अंत में सत अपना प्रकाश करता है। और इस बात का पूर्ण विश्वास तुलसीदास जी के साथ साथ शुक्ल जी को भी था। तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास जी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रिय कवि हैं, इनका भी यह मानना था कि जब सत्य और असत्य का संघर्ष होता है तो हमेशा विजय सत्य की होती है। जैसे राम और रावण का जब युद्ध हुआ तो विजय किसकी हुई? भगवान राम की विजय हुई। तो इसी प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल को भी यह विश्वास है कि सत्य और असत्य, मंगल और अमंगल के संघर्ष में हमेशा जो विजय होती है, जो जीत होती है, किसकी होती है? सत्य की होती है। तभी उन्होंने लिखा है कि लोक की पीड़ा, पीड़ा बाधा, अन्याय, अत्याचार के बीच दबी हुई आनंद ज्योति भीषण शक्ति में परिणत होकर अपना मार्ग निकालती है और फिर लोक मंगल और लोक रंजन के रूप में अपना प्रकाश करती है। मतलब जब संसार में अन्याय और अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब क्या होता है? लोगों के मन में क्रांति की भावना उत्पन्न होती है, और क्रांति की भावना उत्पन्न होने के बाद जो संघर्ष होता है उसमें विजय किसकी होती है? सत्य की होती है। और इसके बाद क्या होता है? इससे सत्य की विजय होती है, तब न केवल लोगों का कल्याण होता है बल्कि लोगों को सुख भी मिलता है। लोक मंगल मतलब लोगों का कल्याण, और लोक रंजन मतलब लोगों का सुख प्राप्ति होती है। जैसे भगवान राम और रावण के युद्ध में हुआ, रावण का अंत होने, लोक मंगल को ध्यान में रखकर उन्होंने रावण का अंत किया, और जब रावण का अंत हो गया तब उन्होंने राम राज्य की स्थापना की जिसके माध्यम से जनता पूरी तरह से सुखी हुई। तो इस प्रकार लोक की पीड़ा बाधा अन्याय और अत्याचार जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है लोगों के बीच में, तब एक शक्ति जन्म लेती है, एक क्रांति होती है। और इसके बाद क्या होता है? एक नई शक्ति स्थापित होती है और जो अन्यायी और अत्याचारी लोगों का अंत होता है और राम राज्य की स्थापना होती है। तो इससे लोक मंगल होता है, लोगों का कल्याण होता है, और लोक रंजन मतलब लोगों के मन में सुख और शांति आती है, उनके जिंदगी में खुशी आती है। स्पष्ट है कि मंगल की सम्यक स्थापना क्षमा, दया आदि साधुता की एकांगी प्रवृत्तियों द्वारा ही संभव नहीं है, क्योंकि बहुत से दुष्ट और क्रूर हृदय इन मृदुल प्रवृत्तियों से अप्रभावित रहकर लोक उत्पीड़न में संलग्न रहते हैं। उनका प्रतिविधान मतलब प्रतिकार अथवा बदला लेना करने के लिए उग्र वृत्तियों का संयत प्रकाशन लोक मंगल की स्थापना के लिए अभीष्ट है। तो आचार्य रामचंद्र का शुक्ल का कहना है कि यदि हमारे जीवन में केवल क्षमा हो, दया हो, अच्छे गुण हो, तो इन्हीं प्रवृत्तियों के द्वारा लोगों का कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे संसार में, हमारे जीवन में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अन्यायी हैं, अत्याचारी हैं, क्रूर हैं। तो इन लोगों से बदला लेने के लिए क्या करना पड़ता है? इन लोगों से बदला लेने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? हमको बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है, उनसे बदला लेने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, क्रांति करनी पड़ती है ना, युद्ध करना पड़ता है। और युद्ध के द्वारा ही क्या होता है? लोक मंगल की स्थापना होती है, लोगों का कल्याण होता है। मतलब जहां पर अन्याय है, अत्याचार है, तो उनके प्रतिकार या बदला लेने की भावना भी हमारे मन में विद्यमान रहनी चाहिए, तभी लोगों का कल्याण हो सकता है, तभी लोक रंजन की स्थापना हो सकती है। अतः शुक्ल जी के अनुसार क्षमा जहां श्रीहत मतलब समाप्त या कांतिहीन हो जाती है, वहीं से क्रोध का सौंदर्य आरंभ होता है। जैसे भगवान राम समुद्र के पार जाना चाहते थे लेकिन समुद्र उन्हें रास्ता नहीं दे रहा था, तो बहुत देर तक तो वह क्षमा करते रहे, लेकिन बाद में जब वो समुद्र को सुखाने के लिए जब अपना धनुष तीर निकालते हैं तो उस समय क्या है? समुद्र प्रकट हो जाता है। मतलब जहां पर क्षमा समाप्त हो जाती है, जहां क्षमा समाप्त होती है वहीं से क्रोध का जन्म होता है। तो यहां पर जो क्रोध है, भगवान राम का जो क्रोध है रावण के प्रति या फिर समुद्र के प्रति, तो इसमें एक सौंदर्य की भावना निहित है जिसमें शिष्टों का आदर, दीनों पर दया, दुष्टों के दमन आदि जीवन के अनेक रूपों का सौंदर्य दिखाई पड़ेगा, वही सर्वांग पूर्ण लोक धर्म का मार्ग होगा। तो भगवान राम का जो मार्ग है, इनके जो क्रोध का जो मार्ग है, भले ही यहां पर क्रोध कर रहे हैं लेकिन इसमें क्या है? शिष्ट जनों अच्छे लोगों के प्रति आदर की भावना है, दीनों पर दया की भावना है, और दुष्टों के दमन की भावना है। तो इस प्रकार का जहां पर संपूर्ण सौंदर्य दिखाई देता है वही लोक धर्म का मार्ग होता है। और लोक धर्म का मार्ग क्या है? लोगों के कल्याण का मार्ग, लोक मंगल का मार्ग ही लोक धर्म का मार्ग है। मूल बात यह है कि अधर्म वृत्ति को हटाकर धर्म वृत्ति की प्रतिष्ठा के लिए कभी कोमल और मधुर एवं कभी उग्र और प्रचंड प्रयास करने पड़ते हैं। मतलब जरूरी नहीं कि हमेशा आपको उग्रता दिखानी पड़े, कभी कभी कुछ लोग प्यार से भी समझ जाते हैं, मतलब किसी को आप प्यार से भी अनुरोध करेंगे तभी वह समझ जाता है। तो जरूरी नहीं कि आप हमेशा आपको उग्र या फिर प्रचंड प्रयास करना पड़े, कभी कभी प्यार से समझा कर भी लोक धर्म की स्थापना की जा सकती है। इसीलिए शुक्ल जी की दृष्टि में
भीषणता और सरलता, कोमलता और कठोरता, कटुता और मधुरता, प्रचंडता और मृदुता का सामंजस्य ही लोक धर्म का सौंदर्य। तो हमारे सामाजिक जीवन का सौंदर्य किसमें निहित है? हमारे जो लोक धर्म है ना, जीवन के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण है, उसका सौंदर्य किसमें निहित है? इसमें भीषणता भी हो, उग्रता भी हो, सरलता भी हो, कोमलता भी हो, कठोरता भी हो, कटुता भी हो तो मधुरता भी हो, प्रचंडता हो तो मृदुता भी हो। तो इनका सामंजस्य ही क्या है, इनका समागम ही क्या है, लोक धर्म का सौंदर्य है। मतलब दोनों ही प्रकार की प्रवृत्तियां हमारे जीवन में अनिवार्य है, महत्वपूर्ण है। साहित्य के मूल्यांकन के एक प्रमुख मापदंड के रूप में लोक मंगल की प्रतिष्ठा शुक्ल जी ने जिस तर्क श्रृंखला के आधार पर की है वह बहुत पुष्ट है। इस प्रकार किसी भी साहित्य का मूल्यांकन आचार्य रामचंद्र के अनुसार किसके आधार पर होना चाहिए? लोक मंगल के आधार पर होना चाहिए कि वही साहित्य महत्वपूर्ण है, वही काव्य महत्वपूर्ण है जिसके द्वारा लोगों का कल्याण होता है, जिसमें लोगों के कल्याण की भावना निहित है। और इसकी प्रतिष्ठा साहित्य के आलोचना के मापदंड के रूप में उन्होंने इसकी प्रतिष्ठा जो की है, इसकी स्थापना की है, उसको बहुत ही प्रबल तर्कों के आधार पर की है जिसे काटा नहीं जा सकता। अकाट्य तर्कों के माध्यम से उन्होंने इस अवधारणा को स्थापित किया है। सर्वप्रथम उन्होंने यह निरूपित किया कि साहित्य या काव्य का प्रयोजन इसी लोक के भीतर है और उसका लक्ष्य मनुष्य का हृदय है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कहना है साहित्य का उद्देश्य क्या है और काव्य का उद्देश्य क्या है, इसी संसार से संबंधित है। मतलब साहित्य का उद्देश्य और जो काव्य का उद्देश्य है उसका लक्ष्य क्या है, समाज है। उसका लक्ष्य क्या है, मनुष्य का हृदय है। मतलब साहित्य में जिन बातों का उल्लेख किया गया है, काव्य में जिस प्रवृत्ति का निरूपण किया गया है या फिर जिस भावना को वहां पर व्यक्त किया गया है, उसका लक्ष्य क्या है, यह समाज है, मनुष्य का हृदय है। मतलब उसका उद्देश्य लोगों का कल्याण करना है। उनके अनुसार मनुष्य लोकबद्ध प्राणी है, उसका अपनी सत्ता का ज्ञान तक लोकबद्ध है। लोक के भीतर ही कविता क्या किसी कला का प्रयोजन और विकास होता है। एक की अनुभूति को दूसरों के हृदय तक पहुंचाना यही कला का लक्ष्य होता है। आपको पता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हम ही समाज में जन्म लेते हैं, इस समाज में रहते हैं। तो जो कवि भी है वो कवि भी एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए कवि का लक्ष्य क्या होना चाहिए अथवा किसी कला का लक्ष्य क्या होना चाहिए कि अपनी अनुभूति को, अपनी भावनाओं को वह दूसरों के हृदय तक पहुंचा सके। और यही कला अथवा किसी कला अथवा साहित्य का लक्ष्य होता है, और इसे ही कहते हैं हम साधारण शब्दों में साधारणीकरण। मतलब कवि की जो भावनाएं हैं या फिर कलाकार की जो अनुभूतियां हैं, यदि वे आम जनता तक पहुंच जाती हैं, उनके हृदय तक पहुंच जाती हैं, वह उन्हें आत्मसात कर लेता है, उसे महसूस करता है, तब यही कला का लक्ष्य है, यही साहित्य का लक्ष्य है, और इसे ही हम साधारणीकरण कहते हैं सामान्य शब्दों में। तो यही कला का लक्ष्य है, साहित्य का लक्ष्य है। एक की अनुभूति को दूसरा सहज रूप में तभी अपनाएगा जब वह उसे अनुरूप भी लगेगी, सुंदर भी होगी और उनके जीवन को समृद्ध करेगी। तो किसी कवि की अनुभूति को, किसी साहित्यकार की अनुभूति को कोई व्यक्ति अथवा जनमानस तभी स्वीकार करता है जब उसे लगता है कि कवि अथवा साहित्यकार ने उसके मन की अनुभूति को अपनी कविता में, अपने साहित्य में अभिव्यक्त किया है। जैसे किसी कविता ने कोई कविता लिख दिया तो आपको ऐसा महसूस करना चाहिए कि मेरी अनुभूतियों को कवि ने व्यक्त कर दिया, वह आपके दिल को छू ले, तभी वह आपको सुंदर भी लगेगी और वह आपके जीवन को समृद्ध भी करेगी। अतः शुक्ल जी ऐसे व्यक्ति वैचित्रवाद के विरुद्ध हैं जिसके अंतर्गत ऐसी अनुभूति की अभिव्यक्ति भी साहित्य में की जाती है जो दूसरे की हो ही नहीं सकती हो। उनकी उक्ति है, अतः हमारे देखने में ऐसी मनोवृत्ति, मतलब मन की स्वाभाविक स्थिति का प्रदर्शन, जो किसी दशा में किसी की हो ही नहीं सकती, केवल ऊपरी मन बहलाव के लिए खड़ा किया हुआ कृत्रिम तमाशा ही होगा। तो वास्तव में कुछ कवि अच्छा, कुछ साहित्यकार ऐसे होते हैं, वो क्या लिखते हैं, अपनी मन की भावनाओं को तो अभिव्यक्त कर देते हैं, अपने कविता अथवा साहित्य के माध्यम से अपनी भावनाओं को उन्होंने भली भांति अभिव्यक्त कर दिया, लेकिन वे उनकी निजी अनुभूतियां हैं, वो आम जनता की अनुभूति नहीं है। मतलब उसके मन में जो महसूस हुआ, उसने जो मन में महसूस किया उसको उसने लिख दिया, लेकिन उसका आम जनता से कोई सरोकार नहीं है, समाज से कोई सरोकार नहीं है, सिर्फ उसने अपनी मन की भावना को उड़ेल दिया है, अपनी उसकी जो मनोवृत्ति है उसको अपने साहित्य अथवा कविता के माध्यम से अभिव्यक्ति प्रदान कर दिए। तो ऐसे जो कविता है, ऐसा जो साहित्य है, उसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत ही प्रखरता के साथ विरोध करते हैं कि ऐसे साहित्य का, ऐसे काव्य का कोई मतलब नहीं है जो केवल कवि अथवा साहित्यकार की निजी अनुभूतियों से संबंधित है, जिसे किसी समाज का अथवा किसी व्यक्ति का कोई भला नहीं हो सकता, तो यह केवल कृत्रिम तमाशा बस है। तो एक की अनुभूति दूसरे की हो सके, इसके लिए उसे लोक सामान्य भाव भूमि पर प्रतिष्ठित करना होगा। अब ये लोक सामान्य भाव भूमि क्या है, मतलब जब कवि की निजी अनुभूतियां
आम जनता की अनुभूति बन जाती है। समाज के सभी लोगों के द्वारा उस अनुभूति को महसूस किया जाता है और यह समझा जाता है कि मेरी ही अनुभूतियों को, मेरी ही भावनाओं को कवि ने अथवा साहित्यकार ने अपने साहित्य में अथवा अपनी कविता में अथवा कला के माध्यम से व्यक्त किया है। तभी क्या होता है, वह आम जनता के हृदय में स्थान बना पाती है और वह लोक कल्याणकारी होती है। इसलिए शुक्ल जी के अनुसार सच्चा कवि वही है जिसे लोक हृदय की पहचान हो। तो सच्चा कवि कौन होता है? जो सिर्फ अपने मन की भावनाओं को अभिव्यक्ति प्रदान न करे बल्कि लोगों के हृदय में जो भावनाएं हैं, जो अनुभूतियां हैं, उसको भी अभिव्यक्ति प्रदान करे, लोगों के फीलिंग्स और इमोशंस को समझे, उनके भावनाओं को समझे और उनकी भावनाओं को, उनकी अनुभूतियों को अपने काव्य में स्थान दे, उनको अभिव्यक्ति प्रदान करे। जो अनेक विशेषताओं और विचित्रताओं के बीच मनुष्य जाति के सामान्य हृदय को देख सके, मतलब प्रत्येक व्यक्ति में कुछ खासियत है, कुछ विशेषता है, कुछ विचित्रता है। इन सब के बावजूद भी जो आम जनता है, जो साधारण व्यक्ति है, जो जनमानस है, उनके सामान्य हृदय में जो अनुभूतियां हैं, जो भावनाएं हैं, उनको पहचान सके, उनको देख सके और न केवल देख सके बल्कि अपने साहित्य में अभिव्यक्ति भी प्रदान कर सके। इसी लोक हृदय में लीन होने की दशा का नाम रसदशा है और इसी लोक हृदय, लोगों के हृदय की पहचान करना, उनकी भावनाओं, उनको अनुभूतियों को अपने साहित्य में अथवा अपने काव्य के माध्यम से जो अभिव्यक्त करने की जो स्थिति होती है, इसे ही कहा जाता है रसदशा। और जब जो पाठक है, सहृदय पाठक है अथवा दर्शक है, जब कवि की अनुभूतियों के साथ तादात में स्थापित कर लेता है, जब कवि की अनुभूतियां, कवि की भावनाएं आम जनता की अनुभूतियां बन जाती है, आम जनता की भावनाएं कवि की अनुभूतियां और कवि की अनुभूतियां आम जनता की अनुभूतियां बन जाती है, अथवा जब दोनों के भावनाओं में तादात में स्थापित हो जाता है, सामंजस्य स्थापित हो जाता है, तब इसे ही कहते हैं रसदशा और यही कहा जाता है साधारणीकरण की स्थिति। तो आचार्य शुक्ल ने लोक मंगल की साधना को, मतलब लोगों के कल्याण करने की भावना को, काव्य की श्रेष्ठता के प्रतिमान के रूप में प्रतिष्ठित किया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह मानना है वही काव्य श्रेष्ठ काव्य है जिसमें जनमानस के कल्याण की भावना निहित है और इसी मापदंड के आधार पर किसी काव्य की आलोचना की जानी चाहिए। उनका तर्क है कि लोक में मंगल का विधान करने वाले दो भाव हैं, मतलब लोगों का कल्याण करने वाले दो भावनाएं होती हैं, करुणा और प्रेम। करुणा की गति लोक की रक्षा की ओर होती है, जैसे भगवान राम के मन में करुणा थी, लोगों के प्रति रक्षा करने की भावना थी, और प्रेम की गति होती है लोक रंजन की ओर, न केवल रक्षा करना बल्कि लोगों के जीवन में खुशियां भी लेकर आना। तो लोक रंजन मतलब लोगों को खुशी प्रदान करना और उनका विश्वास हासिल करना। इन दोनों भावों के सत्व गुण प्रधान मानते हैं। आपको मालूम है कि भारतीय चिंतन परंपरा में, भारतीय दर्शन में तीन प्रकार के गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो यहाँ रजोगुण का तात्पर्य होता है भोग विलास और राजसी ठाट बाट, तमोगुण का तात्पर्य होता है अंधकार, अज्ञान आदि गुण, और सत्वगुण का तात्पर्य होता है अच्छे और सरल कर्मों की ओर प्रवृत्त करने वाला गुण। तो भारतीय चिंतन परंपरा में, भारतीय दर्शन में तीन प्रकार के गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह मानना है इन दोनों भाव हैं जो करुणा और प्रेम, इनका संबंध किससे है? सत्वगुण से, सत्वगुण से है। करुणा और प्रेम का संबंध सत्वगुण से है। वे कहते हैं कि मंगल का विधान तभी हो सकता है, लोगों का कल्याण तभी हो सकता है जब रजस मतलब रजोगुण और तमोगुण सत्वगुण के अधीन रहकर कार्य करे। मतलब लोगों का कल्याण तभी हो सकता है जब रजोगुण और तमोगुण, ये किसके अंदर में रहकर कार्य करें, ये जो है सत्वगुण के अंदर में रहकर काम करें। जो रजोगुण है और जो तमोगुण है वे सत्वगुण के अंदर में रहकर कार्य करेंगे तभी लोगों का कल्याण हो सकता है, उनका मंगल हो सकता है। तो भावों में करुणा और प्रेम सत्वगुण प्रधान होते हैं। जो दो भाव होते हैं मन की, जो भावनाएं हैं करुणा और प्रेम, ये इसमें सत्वगुण होता है, सत्वगुण प्रधान होते हैं। जबकि क्रोध, भय, घृणा आदि प्रचंड भाव रजस और तमस प्रधान होते हैं। आचार्य शुक्ल की मान्यता यह है कि करुणा और प्रेम की लक्ष्य सिद्धि में सहायक होकर अर्थात सत्वगुण के अधीन सक्रिय रहकर क्रोध, भय, घृणा जैसे प्रचंड भाव भी सुंदर हो जाते हैं। मतलब यदि क्रोध और भय और घृणा किसके अंदर में रहें, प्रेम और करुणा के अंदर में रहें, तब ये भाव भी सुंदर हो जाते हैं। जैसे भगवान रामचंद्र जब रावण के प्रति क्रोध करते हैं तो उनके मन में पहले करुणा और प्रेम की भावना रहती है। करुणा मतलब जो दुखी जनता है, जो राक्षसों से पीड़ित और दुखी जनता है, उनके प्रति उनके मन में करुणा और प्रेम है। इस भावना से प्रेरित होकर भगवान रामचंद्र जी के मन में क्या है, क्रोध की भावना जन्म लेती है, प्रचंड भाव घृणा की भाव, रावण के प्रति घृणा की भावना जन्म लेती है। तो ये भाव भी भगवान राम का जो प्रचंड उग्र रूप है जिसमें क्रोध और भय और घृणा है,
ये भाव भी हमें सुंदर प्रतीत होते हैं। और भगवान राम क्या है, जो पाठकों अथवा दर्शकों की सहानुभूति प्राप्त करते हैं। अब भगवान राम की जो भावनाएं हैं रावण के प्रति, घृणा और क्रोध की भावनाएं, उस भावना को आम जनता भी महसूस करती है और उनके मन में भी रावण के प्रति क्रोध का भाव जन्म लेता है, यही साधारणीकरण है। उदाहरण के लिए वाल्मीकि रामायण में लोक पीड़क राक्षस राज रावण के प्रति राम का कालाग्नि सदृश मतलब प्रचंड क्रोध, कालाग्नि सदृश मतलब प्रचंड क्रोध इसीलिए सुंदर प्रतीत होता है कि वह करुणा से लोक रक्षा की भावना से प्रेरित होकर उसी के लक्ष्य की पूर्ति के लिए कार्य कर रहा है। तो जैसे वाल्मीकि रामायण में भगवान राम का जो प्रचंड क्रोध है इसलिए दर्शकों को बहुत ही अच्छा लगता है और सुंदर प्रतीत होता है, क्योंकि वह लोगों के कल्याण करने के लिए लोक रक्षा के संकल्प से रावण के प्रति क्रोध करते हैं और रावण का संहार करते हैं। तो इनका उद्देश्य क्या है, भगवान राम के क्रोध का उद्देश्य क्या है, लोगों का कल्याण करना, यह उनका लक्ष्य है। रावण की मृत्यु के बाद लोग से दुख की छाया हट जाती है, मतलब रावण की जब मृत्यु होती है तो लोग हर्षित हो जाते हैं, उनके जीवन में जो दुख और दर्द परेशानियां दूर हो जाती है, लोक पीड़ा और विघ्न बाधा से मुक्त हो जाता है, लोक पीड़ा और विघ्न बाधा से मुक्त हो जाता है और तब राम राज्य की स्थापना होती है। तो यह लोक रंजन की स्थिति है। सबसे पहले भगवान राम रावण का संहार करते हैं, इससे लोक कल्याण हो जाता है, और इसके बाद वो राम राज्य की जब स्थापना करते हैं तो लोक रंजन की भी स्थापना हो जाती है, राम राज्य की स्थापना हो जाती है। इस राम राज्य की व्याख्या करते हुए शुक्ल जी कहते हैं, यह धर्म राज्य है। भगवान राम का राज्य क्या है, धर्म का राज्य है, प्रकृति का रंजन मतलब प्रसन्न करने वाला है। और यह ब्रैकेट में मैंने लिखा है, इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं लिखा है, मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिखा हूं। तो भगवान राम का जो राज्य है धर्म राज्य है, इसमें प्रकृति अत्यंत प्रसन्न है, हर्षित है, ऋतु आने पर फल फूल वहां पर लगते हैं और चारों तरफ एक खुशी का माहौल है, प्रकृति भी खुश है। इस राज्य की स्थापना केवल शरीर पर ही नहीं होती, हृदय पर ही होती है। तो भगवान राम का इसलिए राम राज्य कहा जाता है। राम राज्य की अवधारणा क्या है, मतलब राम राज्य न केवल हमको भौतिक रूप से दिखाई देता है बल्कि लोग अपने हृदय से भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनका कल्याण हो चुका है। उनका जो राम राज्य का मुख्य लक्ष्य क्या है, लोगों का कल्याण करना है, लोगों की जिंदगी में खुशियां लेकर आना है। तो उनके हृदय पर भी इसका प्रभाव होता है। यह राज्य केवल चलती हुई जड़ मशीन नहीं है, आदर्श व्यक्ति का परिवर्तित रूप है। तो भगवान राम का जो राज्य है केवल भगवान राम की सत्ता ही नहीं है, बल्कि राम राज्य में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति एक आदर्श व्यक्ति है, सुशिक्षित संपन्न व्यक्ति है। इसी संदर्भ में आचार्य शुक्ल ने विरुद्धों के सामंजस्य में कर्म क्षेत्र के सौंदर्य का सिद्धांत स्थापित किया। मतलब हमारे कर्म क्षेत्र में, जीवन के क्षेत्र में जो दो अलग अलग प्रवृत्तियां होती हैं, जो एक दूसरे से अलग होती है, जैसे धूप है तो छांव है, आशा है तो निराशा है, इसे कहा जाता है विरुद्धों का सामंजस्य। तो हमारे कर्म क्षेत्र में हमको दोनों प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, हमारे मन में दोनों प्रकार की भावनाएं विद्यमान होती है, जहां दुख है तो वहां सुख है, जहां अशांति है तो वहां अशांति है। उन्होंने कहा है कि लोक में फैली दुख की छाया को हटाने में ब्रह्म की आनंद कला जो शक्तिमय रूप धारण करती है, उसकी भीषणता में भी अद्भुत मनोहरता, कटुता में भी अपूर्व मधुरता, प्रचंडता में भी गहरी आर्द्रता साथ लगी रहती है। विरुद्धों का यही सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है, जिसकी ओर आकर्षित हुए बिना मनुष्य का हृदय नहीं रह सकता। तो यह क्या है, पारिभाषिक शब्दावली है, विरुद्धों का सामंजस्य। जैसे लोगों के जीवन में जो दुख फैला हुआ है, जैसे रावण के कारण लोगों के मन में जो दुख है, तो उसका निराकरण करने के लिए, दुख दूर करने के लिए भगवान राम में क्या है, भीषण रूप धारण कर लेते हैं, भगवान राम उग्र रूप धारण कर लेते हैं, लेकिन वह हमको मनोहर प्रतीत होता है। वो प्रचंड रूप धारण कर लेते हैं लेकिन उनके मन में जो करुणा और प्रेम की भावना भी विद्यमान है। तो एक ही समय में दो भावनाएं, उनके मन में करुणा और प्रेम भी है अपने लोगों के प्रति, और रावण के प्रति उग्रता भी है, प्रचंडता भी है, तो दो विरोधी भावनाएं विद्यमान है। इसी प्रकार जब भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया तो उसके मन में भी दो प्रकार की धारणाएं विद्यमान है, एक प्रचंडता और उग्रता की जो कंस के प्रति है, और दूसरा कंस के जो शासन है उसमें जो लोग पीड़ित जनता है उनके प्रति उनके मन में करुणा है और दया और उसकी प्रेम की भावना भी है। तो इस प्रकार एक साथ ही ब्रह्म की आनंद करा, ब्रह्म मतलब भगवान कृष्ण हो गए, राम हो गए, ये सब। तो लोगों के जीवन से दुख को दूर करने के लिए जो ब्रह्म की आनंद करा मतलब भगवान राम की जो शक्ति है या कृष्ण की जो शक्ति है, यह जो रूप धारण करती है उस रूप में क्या है, भीषणता भी है, और उस भीषणता में भी क्या है, मनोहरता है, सुंदरता है। उनके मन में जो कटुता विद्यमान है उसमें भी अपूर्व मधुरता हमको दिखाई देती है, क्योंकि वह लोक कल्याण के कारण है।
लोगों के कल्याण करने के लिए उन्होंने उग्र रूप धारण कर लिया है। अब विरुद्धों का असामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है, जिसके जिसकी ओर आकर्षित हुए बिना मनुष्य का हृदय नहीं रह सकता। तो इस प्रकार हमारी जो दिव्य शक्तियां हैं, जो हमारे आदर्श हैं, भगवान राम भगवान कृष्ण, तो उनके जीवन में जो विरुद्ध जो भावनाएं हैं, विरोधी भावनाएं हैं, उनके सामंजस्य उनके जीवन क्षेत्र में, उनके कर्म क्षेत्र में इन दो दो विरोधी भावनाएं पाई जाती है, इसकी ओर हम हमेशा आकर्षित होते हैं। और इस कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इन दो विरोधी भावनाओं की ओर आकर्षित नहीं होता। इसे ही क्या कहा जाता है, विरुद्धों के सामंजस्य में कर्म क्षेत्र, विरुद्धों के सामंजस्य में कर्म क्षेत्र का सौंदर्य। तो यह इनकी बहुत ही कठिन अवधारणा है। आप समझ गए होंगे कि भगवान राम भगवान कृष्ण के मन में दो विरोधी भावनाएं एक साथ विद्यमान रहती थी। अब आचार्य शुक्ल मार्क्सवादी नहीं थे, लेनिन का उन्होंने पर्याप्त विरोध किया था, किंतु इसके बावजूद हिंदी के सभी प्रतिष्ठित मार्क्सवादी आलोचकों ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को अत्यंत श्रद्धा के साथ स्मरण किया है, उनके महत्व को स्वीकार किया है। तो यहाँ जो लोक कल्याण की जो भावना थी, उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है, जो गरीब और दुखी जनता है, जो पीड़ित जनता है, उनके जीवन से दुख दर्द होना चाहिए, दुख दर्द दूर होना चाहिए। श्रमिकों को उनका श्रम का पर्याप्त पैसा मिलना चाहिए, मजदूरों को, श्रमिकों को, गरीबों को उनके जीवन से दुख दर्द होना चाहिए, सामाजिक समरसता की भावना होनी चाहिए। तो यह कुछ कुछ मार्क्सवाद से मिलती जुलती विचारधारा है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल मार्क्सवादी नहीं थे। इसके बावजूद भी हिंदी के जो मार्क्सवादी आलोचक हैं, उन्होंने अत्यंत श्रद्धा के साथ स्मरण किया है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रति उनके मन में बहुत ही गहन श्रद्धा के भाव विद्यमान है। जैसे उनके महत्व को स्वीकार किया है मार्क्सवादी आलोचकों ने, उन पर किताबें भी लिखी है। इनमें प्रमुख कौन है, डॉक्टर रामविलास शर्मा प्रमुख मार्क्सवादी आलोचक हैं, शिव कुमार मिश्र, नामवर सिंह आदि सबका नाम इस श्रेणी में लिया जा सकता है। आप समझ सकते हैं कि मार्क्सवादी जो बड़े बड़े आलोचक हुए हैं, उनके मन में भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रति कितनी श्रद्धा है। वस्तुतः यह कारण नहीं है, इसका कारण क्या है, वस्तुतः शुक्ल जी के लोक और मार्क्सवाद के शोषित वर्ग के बीच ज्यादा फासला नहीं है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के की जो लोक की अवधारणा है, जिसमें गरीब और वंचित वर्ग के लोग हैं, श्रमिक वर्ग के लोग हैं, और मार्क्सवाद में जो शोषित वर्ग हैं, मार्क्सवाद में शोषित वर्ग कौन से हैं, जो सर्वहारा वर्ग हैं, गरीब हैं, श्रमिक हैं, मजदूर हैं, कृषक हैं, इनके बीच में ज्यादा फासला नहीं है, लगभग मिलती जुलती अवधारणा है। मार्क्सवादी हुए बगैर भी शुक्ल जी का लक्ष्य लगभग वही है जो मार्क्स है, मार्क्स का है। कार्ल मार्क्स का भी लक्ष्य क्या था, समता मूलक समाज की स्थापना करना, समाजवाद की स्थापना करना, जहां पर ना कोई शोषक हो ना कोई शोषित हो। और यही लक्ष्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी था कि समाज में किसी का शोषण नहीं होना चाहिए, कोई शोषित नहीं होना चाहिए, कोई शोषक नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों की अवधारणाएं लगभग समान है, हालांकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल मार्क्सवादी आलोचक नहीं है, ये रसवादी आलोचक है। निष्कर्ष यह है कि जब तक समाज में अच्छे बुरे, सत असत मतलब सही और गलत, मंगल और अमंगल, कल्याणकारी और अकल्याणकारी, न्याय और अन्याय का द्वंद्व विद्यमान रहेगा, मंगल विधायक भावों की अवधारणा रहेगी, चरित्र के औदात्य के मान बिंदु रहेंगे, तब तक काव्य के उत्कर्ष के प्रतिमान के रूप में लोक मंगल की साधना की प्रासंगिकता बनी रहेगी। मतलब जब तक समाज में अच्छे और बुरे लोग हैं, सही और गलत लोग हैं, मंगल और अमंगल की अवधारणा है, न्याय और अन्याय, ये द्वंद्व जब तक चलता रहेगा समाज में, तब तक किसी भी साहित्य अथवा आलोचना, किसी भी साहित्य अथवा कला अथवा काव्य के आलोचना के मापदंड के रूप में लोक मंगल की साधना की जो अवधारणा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, यह प्रासंगिक बनी रहेगी। और किसी भी साहित्य अथवा कला अथवा काव्य की जो आलोचना की जाएगी, समालोचना की जाएगी, समीक्षा की जाएगी, तब इस बात को जरूर अवश्य ध्यान में रखा जाएगा कि यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो लोक मंगल की साधना अवस्था की अवधारणा है, उसके जो मापदंड है, उन पर ये खरे उतरते हैं कि नहीं। तो इस प्रकार मैंने इसको समझाने का प्रयास किया है, आप लोगों ने भली भांति समझ लिया होगा। यदि आज का मेरा यह लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। धन्यवाद।